हेलो एवरीवन, आइए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्स वाई स्कैटर चार्ट्स को समझते हैं। एक्स वाई स्कैटर चार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर शो करते हैं जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई स्कैटर चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, चार्ट का कमांड सेलेक्ट करें। ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें से आप एक्स वाई स्कैटर के लेआउट को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये मुझे एक्स वाई स्कैटर चार्ट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिखा रहा है, ठीक है। मैं ये पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ जिसको स्कैटर कहते हैं और इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए चार्ट भी अपीयर हो जाता है स्क्रीन पर और इसके साथ साथ इसका ये एडिटिंग डायलॉग बॉक्स भी अपीयर हो जाता है। सपोज़ ये अपीयर नहीं होता या इसको हम गलती से क्लोज कर लेते तो इसको दोबारा स्क्रीन पर लाने के लिए मैं चार्ट पर राइट क्लिक करूंगा और एडिट डेटा के कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा स्क्रीन पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक कॉलम में दिखा रहा है एक्स वैल्यू और दूसरे में मुझे दिखा रहा है वाई वैल्यू। तो एक्स वैल्यू पर जैसा कि मैंने बताया कि इस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करते हैं जबकि वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्रिकेट की ओवर्स और रन्स का एक समरी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी पहले ओवर में कितने रन्स थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे, ठीक है। तो ओवर्स, अब ओवर्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको मैं एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवर्स और रन्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी रन्स डिपेंड कर रहे हैं ओवर्स पर, ठीक है। तो इसको मैं वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रन्स, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि पहले ओवर में चार रन्स थे, ठीक है, दूसरे ओवर्स में फिर ये रन्स बढ़कर 10 हो गए, तीसरे ओवर में फिर ये रन्स बढ़कर 12 हो गए और टैब की प्रेस करूँगा तो इसी तरह एक नई कैटेगरी भी इंसर्ट हो जाएगी, यानी अब मैं ओवर 4 को भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 4 ओवर में हम सपोज करते हैं कि रन्स 20 थे और फिर टैब की प्रेस करेंगे तो 5 ओवर में हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि 5th ओवर में रन्स जो है ये बढ़कर 35 हो गए, ठीक है। इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा और अब इसको क्लोज करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं चार्ट में ये डॉट्स की सूरत में ओवर्स और रन्स का एक रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ओवर में कितने रन्स थे, 4 रन्स थे। दूसरे ओवर में कितने रन्स थे, 10 रन्स थे। तीसरे ओवर में कितने रन्स थे, 12, ठीक है। फोर्थ ओवर में कितने रन्स थे, 20 और फिफ्थ ओवर में ये 35 है। अब सपोज हम चाहते कि ये डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक कनेक्टेड हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा, चार्ट का कमांड सेलेक्ट करूँगा और अब ये लाइन का जो स्केटर्ड विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स ये वाला फॉर्मेट मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ओवर्स और रन्स का रिलेशनशिप ये एक कर्व पर, एक लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनका रिलेशनशिप। इसी तरह मैं और फॉर्मेट भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं चार्ट पर क्लिक करूँगा, ये जो फॉर्मेट्स है इसमें से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ मैं ये 3D बबल्स वाला करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है। ये एक बार से अगर नहीं होता तो आप दोबारा करें, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए ये बबल्स की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह हम मुख्तलिफ इसमें फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं लॉ ऑफ डिमांड को इस चार्ट पर, इस कर्व पर रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड माशियात की एक कानून है जिसके मुताबिक अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब में कमी वाक़ होती है और अगर कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कानून को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेटा का कमांड सेलेक्ट करूँगा तो ये एडिटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइस क्योंकि प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिमांड क्योंकि डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो सपोज़ अगर एक चीज़ की कीमत 1 रुपये हो तो इसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि कीमत कम है, सपोज़ इसकी जो डिमांड है वो 10 है। फिर अगर प्राइस बढ़ जाती है, ₹2 हो जाती है तो प्राइस बढ़ गई है, डिमांड में कमी हो जाएगी। सपोज़ वो 10 से कम होकर
8 हो जाता है, ठीक है। फिर रुपीस 3 पर ये मज़ीद कम होगा, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 6 हो जाता है। अगर प्राइस बढ़कर रुपीस 4 हो जाती है तो डिमांड मज़ीद कम हो जाएगी, यानी 6 से ये 4 हो जाती है सपोज, ठीक है। और अगर प्राइस मज़ीद बढ़ती है 5 रुपये हो जाती है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी प्राइस मज़ीद कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये कर्व लॉ ऑफ डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इस कर्व को आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है इट कम्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट से राइट को ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। रुपीज़ 1 पर प्राइस 10 रुपीज़ थी, रुपीज़ 2 पर ये फिर बढ़कर कम होकर 8 हो जाती है, जब प्राइस बढ़ती है तो फिर ये कम होकर रुपीज़ कम होकर 6 हो जाती है, और अगर प्राइस मज़ीद बढ़ जाती है तो फिर इसका ये जो डिमांड है ये मज़ीद कम हो जाता है। तो ये कर्व मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस और डिमांड के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करती है। अब सपोज मैं इसमें लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई से मुराद है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, यानी प्राइस और सप्लाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है। तो इसको एडिट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेटा का कमांड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब इसमें भी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि सप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पर टाइप करूँगा सप्लाई, सपोज़ रुपीज़ 1 पे जो सप्लाई है वो सिर्फ 2 थी, जबकि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो सपोज़ ये 4 हो जाती है, ठीक है। सपोज़ रुपीज़ 3 पर ये फिर 4 से बढ़कर 6 हो जाती है, और रुपीज़ 4 पर फिर ये बढ़कर 8 हो जाती है, और रुपीज़ 5 पर ये फिर मज़ीद बढ़कर 10 हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो अब आप इस कर्व को देख सकते हैं, इसका ट्रेंड देख सकते हैं, ये लेफ्ट से राइट को अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सप्लाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये इस कर्व की जो बिहेवियर है, यानी ये जो मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। अब सपोज़ मैं इस चार्ट के लेआउट में कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगा, क्विक लेआउट के कमांड को सेलेक्ट करूँगा, और इस तरह ये मुख्तलिफ लेआउट अपीयर्स हो रहे हैं। जिस पर भी आप अपना माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये आपको प्रीव्यू दिखाता है, इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम ये लेआउट 5 चूज़ करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस कर्व पर जितनी भी डॉट्स है तो हर डॉट पे उसकी जो रिस्पेक्टिव प्राइस है, प्राइस की वैल्यू है, और फिर प्राइस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मसलन रुपीज़ 5 की जब प्राइस हो जाती है तो सप्लाई 10 हो जाती है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ट के एलिमेंट में कुछ तब्दीली करूँ। देखिए इस पे ये हॉरिजेंटल एक्सेस या एक्स एक्सेस का टाइटल रिफ्लेक्ट हो रहा है, वर्टिकल टाइटल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसका चार्ट का टाइटल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और डेटा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एलिमेंट्स में तब्दीली के लिए मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगा, एड चार्ट एलिमेंट का कमांड सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं, एक्सेस के जो टाइटल है, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ना हॉरिजेंटल जो टाइटल है ये रिफ्लेक्ट हो और ना वर्टिकल टाइटल रिफ्लेक्ट हो, तो मैं इन दोनों को ऑफ करूँगा, ठीक है। देखिए ये वर्टिकल भी मैं ऑफ़ करता हूँ, अब दोनों डिस्प्ले नहीं हो रहे। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी एक्स एक्सिस वाला भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ये अपीयर हो गया है। इसी तरह मैं वर्टिकल को भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट को मैं एडिट करूँगा। तो एक्स एक्सिस पर हम प्राइस को रिफ्लेक्ट करें, यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे हम सप्लाई रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चार्ट का जो टाइटल है इस पर मैं कुछ फॉर्मेट अप्लाई करूँ, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन के कमांड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और एड चार्ट एलिमेंट के कमांड पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए ये चार्ट टाइटल का ऑप्शन है। मैं जब इस पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर मैं नन करता हूँ तो चार्ट का टाइटल डिसअपीयर हो गया, अगर बाउ चार्ट करता हूँ तो ये चार्ट के ऊपर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर मैं सेंटर ओवरले करता हूँ तो ये अभी इस तरह हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चार्ट के टाइटल के फिल कलर और बॉर्डर कलर पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं मोर टाइटल ऑप्शन के कमांड पर क्लिक करूँगा।
तो ये देखिए ये फिल के ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन है, सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, फिक्चर टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, और इसी तरह बॉर्डर के फॉर्मेट से नो लाइन, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, ऑटोमेटिक। तो ये आप एक एक करके देख ले, ये इतने मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते। आप देख ले और फिर प्रीव्यू में देख ले कि वो किस तरह फिर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसके डेटा पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई करूँ, ठीक है, तो मैं एड चार्ट एलिमेंट के कमांड पर क्लिक करूँगा, ये डेटा लेबल्स है, ठीक है। अगर मैं नन करता हूँ तो अब डेटा के लेबल्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे चार्ट पर, ठीक है, ये डिसपियर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं डिसपियर हो गए। अगर मैं सेंटर पर करता हूँ तो ये हर डॉट के सेंटर पर ये रिफ्लेक्ट होंगे, अगर मैं लेफ्ट पर करता हूँ तो फिर ये उसके लेफ्ट पर रिफ्लेक्ट होंगे, और अगर मैं राइट पे करता हूँ तो फिर हर डॉट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है प्राइस की और सप्लाई की, अभी ये राइट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं अबव कर दूँ तो ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, अगर बिलो कर दूँ तो ये हर डॉट की नीचे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, और अगर काल आउट कर दूँ तो ये काल आउट की सूरत में अभी रिफ्लेक्ट हो रहे, ठीक है। तो इसी तरह आप डेटा लेबल पर भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लेजेंड पर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम नन करते तो लेजेंड अभी डिसअपियर हो गया, अगर हम राइट पर करते तो अभी देखिए ये राइट पर लेजेंड को दिखा रहा है, ठीक है। अगर टॉप पर कर दूं तो अभी ये टॉप पे दिखा रहा है, अगर लेफ्ट पे करूं तो अभी ये लेजेंड को लेफ्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बॉटम पे कर दूं तो अभी ये बॉटम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मोर लेजेंड ऑप्शन पर जब मैं जाता हूं तो इस पर मैं मजीद भी कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूं कि मैं इस चार्ट का कलर थीम चेंज करूं, तो इसके लिए मैं चेंज कलर के कमांड पर क्लिक करूंगा, और ये मुख्तलिफ कलर थीम है, आप इसमें से देखिए ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी कलर में चेंजेस हो रही है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर थीम इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक और कैटेगरी भी एंटर करूँ, यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर प्राइस को हम बढ़ाकर 6 कर लेते तो फिर सप्लाई की क्या पोजीशन होगी। तो मैं चार्ट पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेटा के कमांड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 10 पे क्लिक करूँगा ताकि कर्जर यहाँ पे आ जाए, और फिर एक बार टेप की प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं प्राइस 6 इंटर करूँगा, और सपोज़ जब प्राइस 6 हो जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है और ये 12 हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं आपका कर्व का जो लेंथ है ये बढ़ गया है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये मैं प्राइस 4 पर जो सप्लाई है ये डिलीट करूँ, तो मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा। तो इसी तरह हम इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज और सीरीज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक और सीरीज़ इंटर करूँ, यहाँ पर मैं डिमांड को भी रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, डिमांड, ठीक है, मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो ₹1 पे जो डिमांड था वो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो 12 था, ठीक है, ₹2 पर फिर ये चूँकि प्राइस बढ़ जाती तो डिमांड कम होगी तो ये 10 हो जाती है, ₹3 पर फिर ये कम होकर 8 हो जाती है, ₹4 पर फिर ये 6 हो जाती है, ठीक है, ₹5 पर फिर ये 4 हो जाती है, और सपोज़ ₹6 पर फिर ये 2 हो जाती है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो अभी ये आप देखिए दो जो कर्व है ये इस पर रिफ्लेक्ट हो रहे, ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा ज़रा करते हैं क्योंकि हमने शायद वो 6 वाली जो वैल्यू, हाँ, अभी इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सप्लाई कर्व है जो मूव करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है कि प्राइस और सप्लाई के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये देखिए ये आपको लेजेंड में बता रहे हैं, ठीक है, जो ऑरेंज कर्व है ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व को आप देख ले, ये लेफ्ट से डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब है कि प्राइस और जो डिमांड है इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह मैं इस वर्टिकल इसको भी चेंज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश डिमांड, ठीक है। तो इसी तरह आप एक्स चार्ट की मदद से दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं थ्रू एक्स वाई चार्ट और स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।